नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 19 अप्रैल के सुबह 9 बजे से जी दोस्तों यीशु मसीह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में दो बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। जी दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यीशु में सोमवार का दिन होगा और ज्योतिष शास्त्र में सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। यीशु में भोलेनाथ अपने भक्तों के जीवन की सारे संकटों को हरते हैं, उनके जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यीशु में भी आपका कल्याण होने वाले हैं। आपके जीवन में भी अनेकों प्रकार के बड़े बड़े ऐसे बदलाव होंगे जिन्हें जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर से जुड़ी सभी आर्थिक तंगियां खत्म होंगी। आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ और संकट समस्याएं चल रही है उनसे यश में आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपको बता दें कि भोलेनाथ अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, परंतु आपको भी उनके लिए कुछ सावधानियाँ रखनी होती है। जय दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश मंत्राल में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होने वाली है, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ लिखिएगा, गुरु जी का और भगवान भोलेनाथ का सदैव आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यह समय दोपहर के बाद परिस्थितियाँ आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेंगी। बेहतर होगा कि दोस्तों यह समय दिन की शुरुआत आप अपने कार्य संबंधी रूपरेखा बनाकर करें। विद्यार्थियों को भी अपनी मेहनत के अनुरूप यह समय उचित परिणाम भी हासिल होंगे। दोस्तों युवा वर्ग को अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा सक्रिय और गंभीर रहने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत यह समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय किसी मित्र के साथ कहासुनी हो सकती है। यह समय धैर्य और संयम के साथ काम लें। वाहन या फिर किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को खराब करने की वजह से आपके सामने खर्चे भी आ सकते हैं। दोस्तों कोई भी यात्रा करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों काफ़ी सारी बातें आपके मन के मुताबिक होने की वजह से आपको आनंद भी मिलेगा, परिवार से आनंद प्राप्त होगा, पेशे संबंधित कोई खास खबर भी यश में आपको मिल सकती है जिनकी वजह से परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा। दोस्तों खर्चे कम होने की वजह से आप पर बना दबाव भी यश में कम होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय कुछ समय से चले आ रहे तनाव से आपको राहत मिलेगी तथा पुनः घर की सुख सुविधाओं संबंधी जरूरतें पूरी करने का आपका जो पूरा प्रयास उसमें रहेगा। दोस्तों आय के नए स्रोत भी यश में बनने की संभावना बन रही है। दोस्तों यश में अधिकतम व्यवस्था के कारण आप घर पर आराम नहीं करेंगे। दोस्तों यश में संतान की वजह से कोई चिंता भी आपके ऊपर रह सकती है, परंतु दोस्तों यह समय गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें, यह आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। नकारात्मक विचारों को हावी यश में अपने ऊपर ना होने दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में काम में गति प्राप्त करने की आपकी इच्छा होने के बावजूद भी आप यश में मनचाहा गति अपने काम में नहीं ले पाएंगे। दोस्तों यश में काम के आखिरी वक्त तक नहीं कहोगे काम आखिरी वक्त तक नहीं होंगे, लेकिन अंत में सारी चीज़ें आपके मन के मुताबिक होने वाली है, इसलिए दोस्तों संयम रखना आपके लिए जरूरी होगा। मित्र परिवार की वजह से आपकी इसमें चिंता बढ़ सकती है। साथ ही दोस्तों यश में प्रॉपर्टी के सेल परचेज संबंधी कोई योजना बन रही है तो तुरंत उस पर अमल करें। यह समय ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में है, आपको निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपका यश में रुझान बढ़ेगा, आत्मिक उत्थान करेगा। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, घर में किसी बात को लेकर कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों संतान की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखने की आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों मामा पक्ष के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाकर रखें,
या समय अनावश्यक यात्रा के स्थगित रखने की आपको जरूरत होगी। इसके कारण दोस्तों यह समय आपके लिए जैसे होंगे, अधिकतर वक्त अकेले गुजारने की वजह से आपके अंदर अकेलापन का डर बढ़ रहा है। दोस्तों यह समय आपको अपने व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलकर लोगों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करनी होगी। नए कामों को करने से आप कोशिश करेंगे दोस्तों यह समय, जिनकी वजह से आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, नए अनुभव भी आपको यह समय प्राप्त होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जैसे होंगे दोस्तों, आप यह समय शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को दृढ़ संकल्प या फिर सुदृढ़ महसूस करेंगे। दोस्तों यह समय आपके लक्ष्य व फिर कार्य प्राथमिकता में रहेंगे। दोस्तों कोई भूमि संपत्ति की खरीदारी संबंधी रूपरेखा भी यश में बनेगा। रिश्तों की मजबूती को बढ़ाने में आपका यश में विशेष योगदान रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय संतान संबंधी किसी नकारात्मक बात को लेकर घर के वातावरण में कुछ उदासी भी छाई रहेगी, परंतु दोस्तों अपने सहयोग द्वारा समस्याओं को सुलझाने की आप कोशिश करें। जोखिम भरे कार्यों से यश में दूर रहें। भाइयों को भी भौतिक व फिर भावनात्मक रूप से काफी हद तक मदद की जरूरत पड़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे दोस्तों, अभी तक ली हुई मेहनत का फल यश में दिखेगा। फिलहाल दोस्तों हर कोई बात आपकी योजना के मुताबिक होने वाली है, इसलिए दोस्तों व्यर्थ की चिंता को छोड़कर यश में काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। छोटी प्रगति भी आपको यश में बड़ा आनंद प्राप्त करवाएगा। वही दोस्तों यश में अगर आपकी करियर यानी व्यवसाय को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में व्यवसाय में किसी भी तरह की साझेदारी के लिए समय उत्तम है। दिन के दूसरे पक्ष में स्थितियां अति अनुकूल हो जाएंगी, परंतु दोस्तों कार्यस्थल की आंतरिक स्थिति में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी। दोस्तों यह समय कर्मचारियों के साथ भी उचित सामंजस्य बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में व्यापारिक मंदी की वजह से थोड़ी सी चिंता भी रहेगी। यह समय काम करने की प्रणाली में बहुत कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी कोई अनचाहा कार्य करने की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों, व्यवसाय के कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएंगी। सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से भी संपन्न होते जाएंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को यह समय दिन का जो हिस्सा होगा महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का समय होगा। दोस्तों यह समय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों, व्यवसायिक गतिविधियों में भी यह समय सुधार आएगा। उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय विवाहित जीवन साथी प्रेम संबंध दोनों ही सौहार्दपूर्ण रहेंगे। दोस्तों भावनात्मक नजदीकियां यह समय बढ़ने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, कभी कभी आपका उत्तेजित स्वभाव आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न कर देता है। दोस्तों यह समय भावुकता पूर्ण व्यवहार रखने से घर का माहौल पुनः सुधर जाएगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों, यह समय पति पत्नी के मध्य में उपज रहे तनाव का असर घर परिवार पर भी पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों आप परिस्थितियों को संभालने में भी यह समय सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे दोस्तों, पति पत्नी का आपसी सहयोग घर परिवार के वातावरण को भी सुखद और मधुर बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों को भी जल्दी ही विवाह में परिणित होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या रह सकती है। दोस्तों यह समय व्यायाम आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, गले या फिर छाती में कफ संबंधी इन्फेक्शन हो सकता है। लापरवाही ना बरतें और तुरंत यह समय इलाज लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों, असंतुलित दिनचर्या तथा खान पान की वजह से पेट खराब रहेगा। यह समय वातावरण में अपने स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान रखना आपके लिए अधिक आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों, स्वास्थ्य शाम तक उत्तम होगा। अपने विचारों को यश में सकारात्मक बनाकर रखें, ये आपके लिए जरूरी होंगे।